Hello student, this is Soumenarayan. Today we start with new chapter air pollution. Okay, unit number 2, chapter number 3. Air constitutes 80% of the man's daily intake of material by weight. We breathe about 22,000 times a day on an average inhaling of. That means हम कितनी बार breathe करते हैं? 22,000 times per a day में per day कितना breathe करता है 22,000 on an average and inhaling 16 kg of air that means 16 kg of air okay वो हम लेते हैं per day this suggests how important fresh unpolluted air is for human beings but due to the rapid industrialization overpopulation many air pollutants are added into the atmosphere रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन की वजह से एयर जो भी पॉल्यूटेंट एयर पॉल्यूटेड पॉल्यूटेंट्स है वो क्या होते हैं ये इंडस्ट्री रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है कि एयर जो भी है एयर पॉल्यूटेंट्स है वो क्रिएट होते हैं कैसे फ्यूल का यूज किया ओके फिर इंडस्ट्री में जो भी केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं उसका जो वेस्ट होता है वो जलाते हैं ओके तो कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए आपको फ्यूल का यूज करना पड़ेगा ओके तो उसकी वजह से क्या होगा केमिकल जो भी यूज किया उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है गैसेस जो भी केमिकल या सॉलिड वेस्ट जो भी आप वेस्ट में निकलता है उसको जलाते हैं तो एयर पॉल्यूटेंट क्रिएट होता है ओके इनटू द एटमॉस्फेयर अफेक्टिंग द ह्यूमन बीइंग्स एनिमल प्लांट्स एंड मटेरियल्स आल्सो द इफेक्ट ऑफ अदर टाइप्स पॉल्यूशन लाइक आल्सो द इफेक्ट ऑफ अदर टाइप्स पॉल्यूशन लाइक वाटर पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन आर लिमिटेड टू अ लोकल एरिया ओनली वेयर द पॉल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज बट अफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन आर नॉट लोकलाइज्ड That means, for example, कोई एरिया की बात कर ले तो वहां पे एयर वाटर पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होगा तो वो तो एरिया तक लिमिटेड है बट एयर पॉल्यूशन में फॉर एग्जाम्पल एयर पॉल्यूटेड है तो एयर को आप रोक नहीं सकते हो वो तो फ्लो करती ही रहेगी तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है इसीलिए ये पॉल्यूटेड एयर ग्लोबली पॉल्यूटेड ऐसा बोल सकते हैं We cannot control the flow of air as air pollutants after being emitted from the source travels to a considerable distance depending upon the atmospheric condition. जो भी atmospheric condition है उसकी वजह से we cannot control the flow of air. हम flow of air को control जो भी air का flow है हम उसको control नहीं कर सकते as air pollutants after being emitted from the source travel to a considerable distance depending upon the atmospheric condition जो भी air है उसके साथ उसमें जो pollutants है उसको आप control नहीं कर पाओगे ओके जहां से भी वो emit होता है ओके वो emission को आप रोक नहीं पाओगे तो यानी वो पॉल्यूटेड एयर है वो ट्रैवल करती रहेगी अकॉर्डिंग टू द और डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेयरिक कंडीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर बोथ लोकल एज वेल एज ग्लोबल इन नेचर सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल इट सम ऑफ द ग्लोबल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन एंड एसिड रेन तो हमने ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज में पढ़ा कौन कौन सी एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है तो फर्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन एंड एसिड रेन एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस इन एमिनेंट ओके एयर पॉल्यूशन वो एटमोस्फियर में सभी जगह है एटमोसफियर ऑफ द सब्सटेंसेस जनरली रिजल्टिंग कैसे वो आता है एयर पॉल्यूशन कैसे होता है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ मैन इन सफिशियंट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट फॉर द सफिशियंट टाइम एंड कॉजेज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन प्लांट्स एंड एनिमल्स तो एक्टिविटी ऑफ मैन यानी जो भी ह्यूमन बींग्स है
उसकी जो एक्टिविटीज जो होती है उसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है फॉर इन सफिशियंट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेजेंट फॉर अ सफिशियंट टाइम. वो सफिशियंट टाइम के लिए प्रेजेंट रहता है, सफिशियंट कॉन्सेंट्रेशन में वो ऑब्टेन होता है, उत्पन्न होता है एंड कॉजेस अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन प्लांट एंड एनिमल. यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन. कंपोजिशन ऑफ द एयर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर. द एटमोसफियर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस एंड वाटर वेपर. ओके, द एटमोसफियर क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस एंड वाटर वेपर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट एंटायरली कवर्स द अर्थ एक्सटेंडिंग आउटवर्ड सेवरल थाउजेंड किलोमीटर. द मेजर गैसेस इन द पॉल्यूशन इन अ पॉल्यूशन फ्री ड्राई एयर आर द मेजर गैसेस इन द पॉल्यूशन फ्री एयर. यानी पॉल्यूशन के बगैर एयर में कौन से गैसेस होते हैं? दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. उसका परसेंटेज लिखा है कितने कितने प्रोपोर्शन वो प्रेजेंट है. द मेजर गैसेस इंक्लूड्स नियोन, हीलियम, देन मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एक्सेट्रा. टेबल 3.3 गिव्स द कंपोजिशन ऑफ द क्लीन ड्राई एयर. द कंस्टिट्यूट्स नाइट्रोजन कितना कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज 0.7808. ऑक्सीजन 0.2095, देन आर्गन दैट इज 0.0093, देन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 335 ppm. तो यहाँ पे सब कॉन्सेंट्रेशन दिया है, नियोन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, देन नाइट्रस ऑक्साइड, देन हाइड्रोजन, ऑजोन एक्सेट्रा. मोस्ट ऑफ द अबाउ वैल्यूज रिमेन्स प्रैक्टिकली अनचेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट मीन्स जो भी वैल्यूज है वो एटमोसफियर के साथ चेंज नहीं होती है. हाउ एवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग बाई अबाउट 1.5 ppm ईयरली एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो अभी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रही है. ओके, ईयरली कितना, 1.5 ppm. ओके, किसकी वजह से बढ़ रही है? तो बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन यानी प्लांट्स वो सब कट रहे हैं. ओके, ट्रीज और जो भी फॉरेस्ट एरिया है वो का वेजिटेटिव एरिया है वो कट रहा है. ओके, एंड इंक्रीज एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज. तो व्हीकल में जो भी फ्यूल होता है उसकी वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ता है. इंडस्ट्री में भी जो भी हम फ्यूल का यूज करते हैं उसकी वजह से एयर पॉल्यूट होता है, और एयर पॉल्यूट होने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है. देन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर प्रोफाइल एंड अदर रिलेटेड फिनोमिना. एटमोसफियर इज डिवाइडेड इंटू 5 मेजर लेयर्स. ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर इज द लोअर पोर्शन ऑफ द अर्थ. अर्थ से ये नजदीक होता है. विच एक्सटेंड्स अप टू 8 किलोमीटर एट द पोल एंड 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर. ऑन एन एवरेज इट एक्सटेंड्स अप टू 10 to 11 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. जो भी अर्थ सर्फेस है उससे ये कितना एक्सटेंड है, तो 10 to 11 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है. द टेम्परेचर इन दिस रीजन डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 to 7 degree centigrade पर किलोमीटर. तो इसमें क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है. डिक्रीज एट द रेट, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है. देखो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर दिया है इन डिग्री और ये किलोमीटर है. तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. ये डिग्री है, टेम्परेचर है. तो यहाँ पे आप देखो तो किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, और अप टू 11 किलोमीटर तक है. 10 to 11 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस द टेम्परेचर इन दिस रीजन डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 to 7 degree centigrade पर किलोमीटर. देर आर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर मूवमेंट्स इन दिस रीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड एंड कम्प्लीट मिक्सिंग. तो यहाँ पे जो एयर मूवमेंट होती है वो, देर आर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर मूवमेंट्स इन दिस रीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड एंड कम्प्लीट मिक्सिंग. स्ट्रेटोस्फियर इट इज अबाउ
It is about rhetosphere and extend up to 50 to 55 kilometer up to about 20 kilometer. Temperature remains constant then increases up to 20 किलो. ये ट्रेटोस्फियर में क्या है, अप टू 20 किलोमीटर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. बाद में क्या होगा, 50 to 55 किलोमीटर तो तक वो बढ़ेगा. इंक्रीजेस विथ एरिया इन हाइट. ओजोन लेयर इज इन दिस लेयर. ओजोन लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर में है. ओके, मेसोस्फियर इट इज द लेयर अबाउट स्ट्रेटोस्फियर एंड एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर. इट इज द लेयर अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर. हियर टेम्परेचर डिक्रीजेस स्लोली विथ एल्टीट्यूड. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर घटता है, डिक्रीजेस स्लोली विथ एल्टीट्यूड, बट देन शार्पली टू अबाउट -75 डिग्री सेंटीग्रेड. थर्मोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली. इसमें क्या है, मेसोस्फीयर में क्या बोला है कि एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर. हियर द टेम्परेचर डिक्रीजेस स्लोली विथ एल्टीट्यूड. दैट मीन्स जो भी हाइट है, किलोमीटर हाइट इन किलोमीटर, डिस्टेंस नहीं हाइट, एल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट, हाइट का बट हाइट के साथ वो टेम्परेचर स्लोली डिक्रीज होता है, बट देन शार्पली टू अबाउट -75 डिग्री सेंटीग्रेड. थर्मोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली विथ इंक्रीज इन हाइट. दैट मीन्स यहाँ पे इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली. टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है रैपिडली विथ इंक्रीज इन हाइट एंड द हीटिंग ऑफ दिस लेयर इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी. तो हीटिंग ऑफ दिस लेयर इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज होता है इस लेयर में. विद इन द थर्मोस्फीयर देयर इज अ लेयर ऑफ चेंज चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयनोस्फीयर. देन एक्सोस्फीयर वेरी लिटल इज नोन एज अबाउट दिस लेयर. इट एग्जिस्ट अबाउट द आयनोस्फीयर एंड एक्सटेंड अप टू 2000 किलोमीटर अबाउट द अर्थ. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट एयरलेस एंड एम्प्टी. तो ये लेयर क्या है, एयरलेस है और एम्प्टी है. इट प्रोबेबली कंटेन्स हाइड्रोजन गैस इन आयोनाइज स्टेट. इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, ये आपको दिखाया गया है. टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता है, कॉन्स्टेंट रहता है, घटता है, वो सब आपको इसमें दिखाया गया है. सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन कैन मेनली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल मैनमेड सोर्सेस. नेचुरल सोर्सेस में क्या आएगा, पोलियन ग्रेन्स. ओके, जो भी फ्लावर्स वगैरह में से जो भी ग्रेन्स निकलता है. ओके, आपने देखा होगा फ्लावर्स में जो भी कई कई फ्लावर्स ऐसे होता है कि जो भी उसमें से ग्रेन्स निकलते हैं उसकी वजह से और दूसरे फूल पे जाके वो गिरते हैं. ओके, तो वो गिरने से वहाँ पे फ्लावर में प्रोडक्शन होता है. दिस वन इज कॉल्ड पोलियन ग्रेन्स. देन मर्शी लैंड, वीट लैंड और मडी लैंड है वहाँ, उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है. वॉल्केनिक इरेप्शन एस एज वेल एज गैसेस. ओके, वॉल्केनिक इरेप्शन एज वेल एज गैसेस. तो वॉल्केनिक इरेप्शन की वजह से एस और गैसेस जो निकलता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. फॉरेस्ट फायर है, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉल्ट स्प्रे फ्रॉम द ओशियंस. ओके, देन फोटोकेमिकल रिएक्शंस. तो what do you understand by photochemical reaction? Chemical processes that are caused by the absorption of light energy. तो chemical processes जो होती है light energy को absorb करने के बाद. okay, तो उसकी वजह से भी air pollution create होता है. then sandstorms है, duststorms है, dust की वजह से जो air pollution होता है, duststorm की वजह से, और sandstorm बोल सकते हैं. ओके, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. मैनमेड और एंथ्रोपोजेनिक. इन कॉन्ट्रास्ट टू नेचुरल सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, मैनमेड सोर्सेस कॉज प्रॉब्लम्स सीवियर इनफ टू एंडेंजर लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, माइनिंग, एयरक्राफ्ट, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, डोमेस्टिक बर्निंग ऑफ द वुड्स, वो सब मैन मेड सोर्सेस है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है.
Man-made sources can be generally classified into point and stationary source. Example of point source is an industrial unit which adds pollutant to air. At particular point from their tall chimneys, pollutants from such point sources affect only restricted areas. तो टॉल चिमनीज में से जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है उसमें जो टॉल चिमनीज होती है वहां से जो भी गैसेस वगैरह निकलते हैं दैट दिस वन इज कॉल्ड पॉइंट सोर्सेस, उसकी वजह से एयर पॉल्यूट होता है. पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सच पॉइंट सोर्स अफेक्ट ओनली रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसको ही ये पॉल्यूट करेगा. लाइन और मोबाइल सोर्सेस, the line or mobile source of air pollution are the automobile as these add pollutants along a narrow belt or over a long distance. That means जहाँ पे vehicles वगैरह ज्यादा use होगा उसमें जो भी fuels वगैरह use होता है उसकी वजह से क्या है वो vehicles किस पे flow करेंगे या किस पे घूमेंगे तो वो road पे ही घूमने वाले हैं. okay? तो उसकी वजह से एक डायरेक्शन हो जाता है कि इस डायरेक्शन में वो जो भी पॉल्यूटेंट है ओके एयर पॉल्यूशन होगा वो उस डायरेक्शन में होगा. दैट इज कॉल्ड लाइन और मोबाइल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. ओके एंड अलोंग इट इज पॉल्यूटेंट्स अलोंग ए नैरो बेल्ट एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. एरिया सोर्सेस, टाउन एंड सिटीज एड स्मोक and gases over wide areas and so it is called as area source of air pollution. Town or cities जो भी है add smoke or gases. Town or city में जो भी smoke or gases generate होता है over a wide area, कोई बड़ा area है उसमें हम fuel वगैरह use करते हैं, solid waste है उसको जलाते हैं, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी करता है उसकी वजह से क्या होता है वो एरिया में गैसेस वगैरह जनरेट होता है और उसकी वजह से वो पूरा एरिया पॉल्यूट होता है. दिस वन इज कॉल्ड एरिया सोर्सेस. प्राइमरी पॉल्यूटेंट सीओ, सीओ टू, SO2, NO, NO2, most hydrocarbon, most hydrocarbons, most suspended particles, etc. mobile, then natural sources, then mobile sources, okay, then ये क्या है stationary वगैरह है. okay, factory में से भी यहाँ से ये primary pollutant generate होता है. secondary pollutants that is SO2, HNO2, okay, the primary pollutants that means original condition में जो भी है that is called primary pollutants, okay, और उसमें से दूसरे जो pollutants जनरेट होता है दिस वन इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. ओके एयर में भी मैंने बोला कि एयर में एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं. ओके तो एयर में जो गैसेस है उसके साथ ये रिएक्ट करके जो भी बनाते हैं ओके दैट इज SO2 है, देन HNO2 है, H2SO2 है, देन H2O2, O3, पैन है, सो सब है, वो सब क्या है प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करके वो अगेन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स. अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन एयर पॉल्यूटेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स दीज आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेस ओके एंड आर फाउंड इन द एटमोसफियर इन द फॉर्म इन विच दे वेर एमिटेड. तो दीज आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज, जो भी सोर्सेज है वहां से वो निकलते हैं ओके एंड आर फाउंड इन द एटमोसफियर और एटमोसफियर में फाउंड होते हैं ओके इन द फॉर्म इन विच दे आर एमिटेड. फॉर एग्जाम्पल सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, एस, स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट, स्प्रेज, रेडियो एक्टिव कंपाउंड एक्सेट्रा. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है तो दीज आर फॉर्म्ड इन द एटमोसफियर बाय केमिकल इंट्रैक्शन बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड एटमोसफियरिक कंस्टिट्यूट्स. तो मैंने आपको एटमोसफियरिक कंपोजिशन पढ़ाया, उसमें आगे गैसेस है तो एटमोसफियर किससे बना हुआ है, तो ये सब जो भी गैसेस है उससे बना हुआ है और उसके साथ प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वो रिएक्ट करता है, इंट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से नए गैसेस और पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओजोन है, सल्फर ट्रैप साइड है, देन
पायरोलॉक्सिन नाइट्रेट है, पैन है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है. ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मैनर, एयर पॉल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड एज गैसियस पॉल्यूटेंट्स, पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स. तो गैसियस पॉल्यूटेंट्स है, दिस पॉल्यूटेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. कॉमन गैस पॉल्यूटेंट्स आर CO, CO2, NO2, SO2, हाइड्रोकार्बन्स एंड फोटो केमिकल ऑक्सीडेंट्स. पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स, दिस इंक्लूड सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स, सॉलिड पार्टिकल्स और देयर मिक्सचर इन द एटमोसफियर, कॉमनली रिफर्ड एज पर्टिकुलेट्स. फॉर एग्जाम्पल, एरिसॉल है और ऑल एयर सस्पेंशन स्मॉलर देन 1 mm. डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, मीस्ट, फॉग, फ्लाई ऐश, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलेट. एंड नेचुरल पर्टिकुलेट सच एज पोलियन ग्रेन्स एंड प्रोटोजुआ है, फंगल स्पोर्स है, वॉल्केनिक डस्ट है. ओके, तो जिसका साइज वो एयर में घूमता रहता है और हम देख सकते हैं कि भाई कई जगह पे वो, फॉर एग्जांपल कोई एक एरिया है, बंद कमरा है, उसमें सन रेज जो भी है वो आता है, तो आप देख सकते हो उसमें पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स घूमते रहते हैं. तो वो डस्ट भी इन द उसके वो क्या होता है, डस्ट होता है. तो साइज कितना ले सकते हैं, तो वो जो डस्ट का साइज दिखता है उससे कम होता है, दैट मीन्स 1 mm उसका साइज होता है, वो आप लिख सकते हो. और ऑल एयर सस्पेंशन स्मॉलर देन 1 mm. ओके, दिस वन इज कॉल्ड पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स. एंड नेचुरल पर्टिकुलेट सच एज पोलियन ग्रेन्स, प्रोटोजुआ, फंगल स्पोर्स, वॉल्केनिक डस्ट एक्सेट्रा. एयर पॉल्यूटेंट्स बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैनर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, SOx, NOx, एच, स्मोक एक्सेट्रा. सेकेंडरी O3, SO3, पैन एक्सेट्रा, गैसियस CO, NOx, SOx एक्सेट्रा. देन पर्टिकुलेट्स डस्ट, स्मोक, एरोसोल, सूट, फ्लाई ऐश एक्सेट्रा. एयर पॉल्यूटेंट सोर्सेस एंड इफेक्ट, एनलिस्ट प्लस इफेक्ट, कार्बन मोनोक्साइड, इट इज द कलरलेस, कार्बन मोनोक्साइड इट इज कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस गैस, उसका कलर नहीं होता है, स्मेल नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, केमिकली इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड पीएच, एंड पीएच इट इज कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस गैस, केमिकली इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. इट हैज नो इफेक्ट एट नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है. ओके, इट हैज नो इफेक्ट एट नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन इट सीरियसली अफेक्ट द ह्यूमन मेटाबोलिज्म, दैट मीन्स इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये हेल्थ को इफेक्ट करेगा, ह्यूमन मेटाबोलिज्म को इफेक्ट करेगा. सोर्सेस नेचुरल प्रोसेसेस सच एज वॉल्केनोज, नेचुरल गैस एमिशंस, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग क्लाउड फॉर्मिंग, सीड जर्मिनेशन, देन मर्ज गैस प्रोडक्शन एक्सेट्रा, कंट्रीब्यूट्स टू CO इन एटमोसफियर थ्रू इन स्मॉल अमाउंट्स. ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेस कंट्रीब्यूट्स अबाउट, ट्रांसपोर्टेशन में से कितना CO जनरेट होता है, दैट इज 64% ऑफ CO इन एयर. फॉरेस्ट फायर्स एंड एग्रीकल्चरल बर्निंग कंट्रीब्यूट्स अबाउट 17% एंड CO इन एटमोसफियर. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, ब्लास्ट फर्नेसेस इन आयरन, स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेपर इंडस्ट्री, गैस मैन्युफैक्चरर, देन कॉल माइनिंग एक्सेट्रा कॉज अबाउट 9.6% ऑफ CO इन इफेक्ट. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड बाय सेंसिटिव सिलेक्टिवली कंबाइनिंग विद द हीमोग्लोबिन. तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है उसको वो कम करता है, इस तरह से बाय सिलेक्टिव
सिलेक्टिवली कंबाइनिंग विथ हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो कम कर देता है, फॉर्मिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दिस कॉजेस ऑफ ब्लीडनेस, लेजीनेस, एग्जॉस्टेंस एक्सेट्रा। तो उसकी वजह से क्या होता है, लेजीनेस एग्जॉस्टन होता है। ओके, इट रिड्यूसेस विजन एंड कॉजेस कार्डिविक्यूलर डिसऑर्डर्स। दैट मीन्स वो विजन को कम करता है और उसकी वजह से आपके रेटिना के जो प्रॉब्लम होता है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम होता है वो होता है। ओके, दिस यू इज अ वेरी डेंजरस एस फिक्यूलेंट एंड इट्स हाई लेवल्स आर फैटल टू ह्यूमन लाइफ। तो CO2 वेरी डेंजर है और उसका हाई लेवल है वो ह्यूमन लाइफ को ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ओके, हाई लेवल आर फैटल टू ह्यूमन। वो क्या है, वो बहुत डेंजरस है, CO दैट इज कार्बन मोनोक्साइड, एंड उसका हाई लेवल है वो ह्यूमन हेल्थ को डेथ की तरफ भी ले जा सकता है। दैट इज कॉल्ड फैटर। कार्बन डाइऑक्साइड, द कंटेंट ऑफ CO2 इन द एयर हैज इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 15% ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स बैलेंस द CO2 एंड O2 रेशियो टू ए लार्ज एक्सटेंट। फर्दर मोर, दिस इंक्रीज हैज बीन अकम्पनीड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। द कंटेंट ऑफ CO2 इन द एयर हैज इंक्रीज, CO2 का कंटेंट इंक्रीज होता है बाय अप्रोक्सीमेटली 15% ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स बैलेंस। तो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज जो होती है ट्रीज में, प्लांट्स में, तो उसकी वजह से CO2 और O2 बैलेंस हो रहा है। अभी तो क्या है, डिफोरेस्टेशन भी होता है, प्लांट्स लीव सब कट रहा है। ओके, तो उसकी वजह से वो बैलेंस रहता नहीं है, CO2 बढ़ता जाता है, O2 कम मिलता है। ओके, तो ये सब उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है। ग्रीन प्लांट्स बैलेंस द CO2 एंड O2 रेशियो टू ए लार्ज एक्सटेंट। फर्दर मोर, दिस इंक्रीज हैज बीन अकम्पनीड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन एटमोस्फेयरिक ऑक्सीजन। दूसरा, एटमोस्फेयर ऑक्सीजन बढ़ता नहीं है। अभी देखो, प्लांट्स डिफॉरेस्टेशन हो गया। ओके, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वेजिटेटिव एरिया जो भी है, वेजिटेशन है, ट्रीज और प्लांट्स कट रहे हैं, उसकी वजह से जो CO2 का इंटेक होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। फोटोसिंथेटिक जो भी प्लांट्स और ट्रीज में जो सिंथेसिस जो एक्टिविटी होती है, के गेनिंग ऑफ CO2 और रिलीजिंग O2, तो वो सब नहीं होता है। ओके, और उसकी वजह से O2 रिलीज नहीं होता है और CO2 बढ़ता जा रहा है। ओके, तो इसकी वजह से CO2 बढ़ रहा है, वो भी एक रीजन है। सोर्सेस क्या है, तो फॉसिल फ्यूल कंबस्टन। ओके, जेट प्लेन्स यूज O2 एंड रिलीजेस CO2। तो जेट प्लेन क्या यूज करता है, O2 यूज करता है, और क्या रिलीज करता है, CO2 यूज करता है, रिलीज करता है, सॉरी। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट इज डिफॉरेस्टेशन, देन फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री की वजह से भी क्या है, ये CO2 जनरेट होता है। ओके, इफेक्ट्स, इफेक्ट CO2 इज कंपैरेटिवली लेस डेंजरस देन CO एंड कॉजेस नोजिया एंड हेडेक। इट्स मेजर इफेक्ट इज ऑन द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। CO2 एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड कंटिन्यूअस इंक्रीजेस इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन कुड रिजल्ट इन राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस सो सिग्निफिकेंटली दैट पोलर आइस वुड मेल्ट, कॉजिंग ए राइज इन द ओशियनिक लेवल। एज अ कॉन्सिक्वेंसेज द कोस्टल टाउन वुड बी फ्लडेड। देखो, CO2 जो है वो किस तरह से हमें इफेक्ट करता है, लेस डेंजरस है CO2, CO से लेस डेंजरस है। वो क्या है, हेडेक वगैरह करता है हमें। ओके, उसकी वजह से हमें हेडेक होता है। ओके, दूसरा, उसकी वजह से क्या होता है, तो जो भी इंफ्रारेड
टेरेस्टेरियल रेडिएशन है उसको एब्सॉर्ब करता है, और वो एब्सॉर्ब करने से अर्थ में मेजर इफेक्ट इज ऑन द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, वो अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? इट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो भी इंफ्रा यूवी रेस है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और वो एब्जॉर्ब करने से अल्ट्रावायोलेट रेस को वो एब्जॉर्ब करता है, और अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो अर्थ के जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, तो जो भी पोलर आइस है वो गलता है। दैट मीन्स जो भी पहले टेम्परेचर के बढ़ने से पोलर आइस है वो मेल्ट होता है, और मेल्ट होने से क्या होता है, ओशन का लेवल बढ़ता है, और ओशन का लेवल जब भी बढ़ता है तभी वहां पे जो रहने वाले हैं कोस्टल एरियाज और कोस्टल टाउन्स है वहां पे फ्लड आता है। तो इस तरह से CO2 इफेक्ट करता है। मेन इफेक्ट उसका क्या है कि वो टेम्परेचर बढ़ाता है, ह्यूमन पे वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, बट वो उसका मेजर इफेक्ट क्या है, वो क्लाइमेट में चेंज कर देता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी टेम्परेचर रहना चाहिए, टेम्परेचर जो भी एटमोसफियर में टेम्परेचर रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, वो मेंटेन नहीं रहता है, वो बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में हमने आगे पढ़ा। देन आइस कैप्स वगैरह है वो मेल्ट हो जाता है, उसकी वजह से ओशन लेवल बढ़ता है। ओशन लेवल बढ़ने से जो भी वहाँ पे नजदीक में जो एरिया है, कोस्टल एरियाज है, कोस्टल टाउन्स है, वो सब उसमें फ्लड आता है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ड्यू टू फ्लड उसपे इफेक्ट करता है। तो CO2 का मेनली इफेक्ट क्या है, वो हेल्थ पे नहीं है, बट जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसको वो इफेक्ट करता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx ग्रुप इंक्लूड्स 8 पॉसिबल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO, NO2, N2O आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन एयर पॉल्यूशन। NO इज कलरलेस ऑडरलेस गैस, बट NO2 इज रेडिश ब्राउन एंड हैव सफोकेटिंग ऑडर। तो आपको उसमें से ऐसे स्मेल आएगी कि उससे आपको सफोकेशन होगा। सफोकेटिंग ऑर्डर ऑर्डर NO एंड NO2 आर फॉर्म्ड एज, तो NO और NO2 कैसे जनरेट होता है, तो N2 प्लस O2, दैट इज कितना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, तो क्या जनरेट होगा, 2NO। देन 2NO प्लस O2 दैट इज 2NO2। द फॉर्मेशन ऑफ NO अकर्स एट हाई टेम्परेचर, द सेकेंड रिएक्शन इज ऑल्सो फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर अबाउट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। NO2 जो सेकेंड रिएक्शन है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इट इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर अबाउट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। NO2 इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय फोटोलिथिक रिएक्शन। फ्यूल कंबस्टन इसका सोर्सेस क्या है, तो फ्यूल कंबस्टन इन ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज, लाइटनिंग, फॉरेस्ट फायर, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, नेचुरल आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सेट्रा। इफेक्ट लाइक CO2 नाइट्रिक ऑक्साइड कैन ऑल्सो कंबाइन विथ हैलोज हीमोग्लोबिन, तो CO की तरह ही लाइक CO कार्बन मोनोक्साइड की तरह ये भी क्या करता है, नाइट्रस ऑक्साइड कैन ऑल्सो कंबाइन विथ द हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, और जो भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड है उसको वो डिक्रीज करता है। NO इज मॉडरेटली टॉक्सिस एज इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन एयर इज नॉट हाई, तो वो टॉक्सिस नहीं है। उसका कॉन्सेंट्रेशन उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसीलिए वो टॉक्सिस नहीं है। NO2 इज मोर टॉक्सिस, NO2 क्या है, वो मोर टॉक्सिस है। इट इरिटेट्स द एल्विओल ऑफ द लंग्स एंड इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन में कॉज द एक्यूट ब्रोनटिसिस, दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ। तो उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। इट इरिटेट्स द एल्विओल ऑफ द लंग्स एंड दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, वो मोर टॉक्सिस है और हमारे
हमारे हेल्थ पे बैड इफेक्ट करता है, ऐसा बोल सकते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आज तक इतना ही, थैंक यू।